बीजेपी ये टेप लगातार सुनाती रही है, जब कुछ नहीं होता था उस समय भी, जब हो रहा है तो भी, और जो बोलने वाले हैं उनको बोलने दीजिए, वो तो जुमला के ही आधार पर इतने दिनों तक उन लोगों ने देश और राज्य प्रशासन किया। आम जनता ठीक से रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं किए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं आपके साथ। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग, उसी को जवाब दे रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों बेगूसराय में गोली चली थी और भी गोलीबारी होती है, उसको लेकर बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी होगी। आपको बता दें बिहार में महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव के साथ ही जो बीजेपी के लोग हैं वो मिलते के साथ कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है, इसी को लेकर गोली चल रहा है। आपको बताते चले कि बिहार में नगर इकाय चुनाव भी टल गया, इसी को लेकर जो तमाम जो दल के लोग हैं वो बता रहे हैं कि हम अति पिछड़ा के करीबी है, हितैषी है, हम उसके बारे में सोचते हैं। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता, ठीक आप इस वीडियो में। अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है, तीन लोगों ने फायरिंग की है, वहाँ पर चार लोगों जख्मी भी हो गए हैं। बीजेपी लगातार कह रही है कि जंगल राज बरकरार है बिहार में। बीजेपी ये टेप लगातार सुनाती रही है जी। जब कुछ नहीं होता था उस समय भी, जब हो रहा है तो भी, ये बेगूसराय की जो घटना हुई उसका सर्वेक्षण आम लोगों ने भी किया है, और जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी लोगों की नज़र है। जो अपराधी जिसने अटैक किया वो पकड़ा भी गया है, जैसा कि मैंने अभी टीवी में देखा। मैं उसके बारे में बहुत नहीं जानता, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि कोशिश जो हो रही है गलत लोग चाहे किसी के इशारे पर कर रहे हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कड़े कदम उठा रही है और उन लोगों को जो है उस हद तक, जब तक कि उसको सज़ा नहीं मिले, जब तक कि उसको उस पर कार्रवाई नहीं हो, सरकार चुपचाप नहीं बैठेगी। और जो बोलने वाले हैं उनको बोलने दीजिए, वो तो जुमला के ही आधार पर इतने दिनों तक उन लोगों ने देश और राज्य प्रशासन किया है। मैं समझता हूँ कि अब जनता उनकी जुमलेबाजी को समझने लगी है, इसलिए इसका फ़र्क नहीं पड़ता। पुलिस का डर आपकी सरकार में क्या अपराधियों को कम हो गया है, सवाल पूछ रही है बीजेपी। हमारी सरकार में तो कोई माफ़ी नहीं मांग रहा है अपराधियों से, अपने आपको याद होगा। तो फिर आप इसमें मतलब जब प्रायोजित कार्यक्रम कहीं का हो तो उसमें पुलिस का डर और सब चीज़ें मतलब गौन हो जाती है। पुलिस अपनी पुलिसिंग पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से कर रही है, और आप उद्भेदन वगैरह भी देख रहे होंगे कि अपेक्षाकृत जल्द उद्भेदन हो रहा है। तो इंटेंशन होना चाहिए कि आम जनता ठीक से रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं किए जा रहे हैं। पिछड़ों की हकमारी की गई और सरकार ने आयोग नहीं बनाया, जिसके कारण नगर निकाय चुनाव स्थगित हुआ। तो क्या लगता है कि आखिर आपकी पार्टी का इस मामले पर क्या स्टैंड है? नहीं, हमारी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर पार्टी रही है। तो राय इसमें क्या है, ये मैंने कोर्ट के माध्यम से चुनाव के स्थगन के मामले में मैं किसी पर दोष नहीं दे रहा। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो सामाजिक न्याय का जो पक्ष है उसको मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आयोग बने? मैं ये चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय का पक्ष मजबूती से लागू हो, उसके लिए जो करना होगा। न्यायालय ने जो कहा न्यायालय ने जो कहा सरकार उसको रेसिप्रोकेट करेगी, और उसका जो उसके लिए बेहतर होगा। तो जैसा कि देखा आपने, आलोक कुमार मेहता ने जो बताया कि नगर इकाय चुनाव टला उसको लेकर बयान दिया, और बिहार में जिस तरीके से लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई, गोली चलने की बात कर रहे हैं। तो आलोक कुमार मेहता ने साफ कर दिया कि अपराधी वो थोड़ी ना अगर हमसे माफ़ी मांगेंगे, वो क्राइम करेंगे, उनको सज़ा मिलेगी। और जिस तरीके से जांच हुआ, स्थानीय लोगों ने भी देखा गोली चलने वाली मामले पे, कि किस तरीके का जो बयान है वो निकल के सामने आया और क्या कुछ हुआ था, सभी लोगों ने देखा। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट के साथ। बिहार इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।